Assalamu alaikum everyone, this is clinical nutritionist Maria Nadem Khan here. Today we are going to make delicious or healthy recipe of oats porridge in Dietlicious Corner with Maria Nadem. So basically, bahut sare clients mujhse mera breakfast poochte hain aur jab main diet plans mein oats porridge lagti hu to usme bhi poochte hain ki is oats porridge ko kaise banaya jaye aur usme kitna oats istemal kare, kitne ingredients istemal kare, kitna doodh istemal kare. So basically today I am going to reveal the whole recipe with the quantities, with the calories जो कि आपके breakfast का एक हिस्सा बनने वाले हैं और आप enjoy करेंगे और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आप इसको temporary breakfast नहीं रखेंगे, इसको अपने lifestyle में जो है वो शामिल करेंगे और इसके अलावा अगर आपको एक breakfast में पसंद नहीं आ रहा तो आप रात को dinner में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जितनी भी वो ladies और वो जो हजरात हैं job करते हैं इस porridge को बना कर वो अपने साथ ऑफिस भी लेके जा सकते हैं क्योंकि ये पॉरेज जो है वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स का एक ऐसा ख़जाना है, इसलिए मैं इसको न्यूट्रिएंट डेंस रेसिपी भी कहूँगी, न्यूट्रिएंट डेंस डिश और फूड भी कहूँगी और हमारे पास इसमें 300 कैलोरीज आएंगी और साथ साथ मैं आपको कैलोरीज जो है मेंशन करती जाऊँगी ताकि यू विल गेट टू नो कि हमारे पास कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स में कौन कौन से बेनिफिट्स आ रहे हैं और कितनी कैलोरीज आ रही हैं और इसका मेथड क्या है. चलिए आज रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. ओट्स का ये दलिया आपके ब्रेकफास्ट में जो है आपको एनर्जी भी देगा और न्यूट्रिएंट्स भी देगा और ऐसी न्यूट्रिएंट डेंस रेसिपी जो कैलोरीज में भी लो है हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है. तो बेसिकली इस वेट लॉस ओट्स के पॉरेज में हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने लगे, उसमें सबसे नंबर वन पर हमारे पास जो है ओट्स आ रहे हैं. ओट्स यानी कि पंजाबी में तो हम इसे जवी कहते हैं और उर्दू में हम इसे जई कहते हैं. तो 4 टेबलस्पून ओट्स का हम इस्तेमाल करेंगे और अक्सर लोग हम उससे यही पूछ रहे होते हैं कि हमने कितना ओट्स इस्तेमाल करना है. तो बेसिकली आज मैं रिवील कर रही हूँ कि हमने क्वांटिटी जो है 4 टेबलस्पून ओट्स की लेनी है जिसके अंदर हमारे पास 75 कैलोरीज मिलेगी और मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी देंगे, ताकत देंगे, जो कि आपकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ही बेस्ट है. उसके अलावा इस पॉरेज में हम मीठे का इस्तेमाल नहीं करें, यानी कि कोई भी चीनी या शहद का इस्तेमाल नहीं हम करेंगे, बल्कि उसकी जगह हम 2 अदद खजूरों का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके इस पॉरेज के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मिठास भी देगा, मिठास के साथ साथ जो है ये एनर्जी भी देगा और न्यूट्रिएंट्स का एक ख़जाना है हमारे पास डेट्स, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है. तो सर्दी हो गर्मी हो आप अपने पॉरेज में डेट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और हेल्दी तरीके से मिठास को ऐड करें. अब डेट्स की कैलोरीज की बात की जाए तो इन 2 डेट्स में हमारे पास 100 कैलोरीज आ रही हैं जो कि हमारे इस पॉरेज को मीठा मीठा करने वाली हैं. फिर हमारे पास आपको नीचे नज़र आ रहे हैं नट्स और सीड्स. तो नट्स में वी आर यूजिंग 7 ब्लांच आमंड्स. ब्लांच का मतलब ये है कि जब हम खीर बना रहे होते हैं तो आपको पता होगा कि हम बादाम को एक दो जोश दे के उसका छिलका जो है वो रिमूव कर लेते हैं, तो उस मेथड को जो है वो ब्लांच कहा जाता है. तो बेसिकली पॉरेज में हम ब्लांच आमंड्स का इस्तेमाल करें, 7 ब्लांच आमंड्स का इस्तेमाल करें. मल्टाई वाइटामिन से भरपूर, एंटाई ऑक्सीजन से भरपूर, वाइटामिन ई से भरपूर हमारे दिमाग के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्ग्रीडियंट्स के साथ बादाम हम इस पॉरेज के अंदर इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हमारे पास 35 कैलोरीज आ रही है. इसके अलावा 1 वॉलनट का इस्तेमाल किया और हमारे चिया सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर गार्निश करेंगे, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करेंगे और फ्लैक्स सीड आप देख सकते हैं कि मैंने ग्राउंड पाउडर फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल करूँगी क्योंकि फ्लैक्स सीड्स जो है वो ग्राउंड पाउडर में बहुत ही ज़बरदस्त एब्जॉर्प्शन जो है वो होती है. अगर आप इसको होल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल पाउडर बना लेंगे, तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है उतनी अच्छी नहीं होती. तो हमारा जो फोकस होता है वो होता है कि हमारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ग्राउंड फॉर्म ऑफ फ्लैक्स सीड्स पाउडर और चिया सीड्स. चिया सीड्स हमने 1 टीस्पून इस्तेमाल किए हैं और 1 टीस्पून चिया सीड्स में वी हैव 17 कैलोरीज और 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स इस्तेमाल किए हैं जिसमें हमारे पास 6 to 12 कैलोरीज. इसके अलावा दूध हमने बनाना किस में है, दूध हमने दूध में बनाना है. तो बेसिकली वी आर यूजिंग 3/4 कप ऑफ लो फैट मिल्क इन दिस रेसिपी
क्योंकि हम ये वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करें तो ये फैट फ्री मिल्क हमारे पास है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इस फैट फ्री मिल्क में हमारे पास 77 कैलोरीज आ जाएंगी। पानी भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो क्योंकि शुरू में हम थोड़ा सा इसको पानी डाल के जो है वो गला लेंगे दलिया को, और फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो बेसिकली द होल रेसिपी कंटेन्स 300 कैलोरीज इन योर ब्रेकफास्ट विद मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स एंड मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट्स। पॉरिज बनाने के लिए जो 4 टेबल स्पून ओट्स थे वो हमने पानी में डाल दिए, और अब इसको हम दो बॉयल्स देंगे और फिर इसमें जो है हम मिल्क ऐड करेंगे, तो फिर ये हमारा पकना स्टार्ट साथ साथ हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमने जब पानी डाला था तो ओट्स को जो है वो बॉयल आ गए, और इसी दौरान जो है ना मैं अपनी दो डेट्स को जो है ऐड कर रही हूँ पॉरिज में, ताकि वो अपना फ्लेवर जो है ओट्स के साथ जो है थोड़ा सा ब्लेंड करेगी और आपके पूरा जो दलिया है वो मज़े का मीठा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी डेट्स जो है उसके साथ ब्लेंड हो रही है, और इस स्टेज पे वी आर एडिंग 3/4 कप ऑफ मिल्क और लेट इट कुक। और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे सवाल करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ओट्स जो है हम यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ओट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने स्टील कट ओट्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए, जो कि लेस प्रोसेस्ड होते हैं, और मैंने यहाँ पर होल ग्रेन जो हमारे पास ओट्स इस्तेमाल होते हैं वो किए हैं। वाइट ओट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारी रेसिपी में फ़ाइबर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन डोंट वरी, वी हैव मैनी वेज टू ऐड फाइबर इन आवर डाइट। तो उसमें यह है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ ओट्स जो है अपने ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो जो है आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। ये हमारा ओट्स का पॉरिज जो है वो रेडी हो गया, और हार्डली मैंने इसको 5 to 6 मिनट्स जो है वो कुक किया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारा ओट्स पॉरिज जो है वो रेडी हो गया, और यहाँ पर बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स का जो आंसर है वो उनको मिल रहा होगा उनके क्वेश्चंस का, कि वो हमेशा पूछते हैं हम कैसा प्याला यूज़ करें, हम कैसा बोल यूज़ करें, कितना पॉरिज जो है वो हम ले सकते हैं। तो बेसिकली 300 कैलोरीज पे मुश्तमिल हमारे पास ये रेसिपी रेडी होगी, जिसमें हमने 4 टेबल स्पून ओट्स का इस्तेमाल किया था। और आप कलर चेक कर सकते हैं, क्योंकि दो डेट्स मैंने इसको पकते हुए डाल दी थी, और बड़ा मज़े का एक ब्राउनिश कलर आ रहा है, और बड़ा कैरमलाइज्ड मुझे जो है वो लगता है इसका फ्लेवर जब ये दूध के साथ और ओट्स के साथ डेट्स जो हैं वो पकती हैं। नाउ इट्स टाइम टू ऐड मोर न्यूट्रिएंट्स और मोर एनर्जी डेंस और न्यूट्रिएंट डेंस न्यूट्रिएंट्स टू योर रेसिपी, और वो हम गार्निशिंग में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसमें अपना 1 टेबल स्पून जो हमने फ्लैक्स सीड्स थी वो हम इसको ऐड करेंगे, जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके वेट लॉस के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, और आपके ज़हनी नशोनुमा के लिए यानी कि बच्चों के लिए, अगर आपको जो है यूरिक एसिड का मसला है तो आप इसको जो है ज़रूर अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। और मेरा फेवरेट जो है इंग्रेडिएंट हमारे पास वॉलनट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं शेप से हमें पता चल रहा है कि हमारे दिमाग के लिए ये कितने ही अच्छे हैं, और दिमाग के लिए जो सेकेंडली हमारे पास अच्छा है और हमारी वो बहुत ही ज़बरदस्त करता है न्यूट्रिएंट्स हमारी ज़हनी नशोनुमा के लिए, वो है चिया सीड्स, जो हमारी वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल है। तो बेसिकली हम इससे भी इसको गार्निश करेंगे। तो गार्निशिंग देखिए कितना खूबसूरत ब्रेकफास्ट बोल जो है वो हमारा रेडी हो गया है, और ये मेरा इसीलिए ब्रेकफास्ट जो है वो फेवरेट है, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नट्स और सीड्स, और इसके बगैर आपका दलिया मुकम्मल हो ही नहीं सकता। वो जो लोग कहते हैं कि दूध में दलिया डाल के बना लिया, इट्स अ वेरी इनकम्प्लीट रेसिपी। न्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूट्रिशनिस्ट की रेसिपी आपके सामने है, जो कि आपके वेट लॉस में, आपके हेल्थ इश्यूज़ में बहुत ही फ़ायदा देगी। चाहे आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं या यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं या वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली इट्स अ वेरी हेल्दी एंड गुड रेसिपी, जो सारे दिन में आपको एनर्जी भी देगी, न्यूट्रिएंट्स भी देगी, और आपका वेट लॉस भी करेगी, और आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करेगी। थैंक यू सो मच।